ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट 11 बजे हम यहाँ से चल रहे हैं इस रिसोर्ट से, और फाइनली इसको गाय मिल चुकी है। एक ही तो मिली है। एक ही मिली है? कितनी सारी गाय चाहिए? गांव में वो कह रहे हैं बत्तख और मुर्गियां भी होंगी। ये मेन रोड पे आ गए हैं, 3-4 किलोमीटर चलती है बस कार। अब ये मेन रोड पे वतनवासा गेट आएगा 10 किलोमीटर बाद, जहाँ से हल्दूपराव की सफारी होती है, फिर उसके बाद रथवा ढाब और वहाँ से वनवासा रिजोर्ट। ये पूरा एरिया देखो कितने घने जंगल हैं, पूरे नदी वदी आ रही है। भाई दिस इज द बेस्ट, क्या रोड है ये, मतलब यही इसलिए मैं बार बार यहाँ पे आता हूँ। 11:20 पहुंच चुके हैं वतनवासा गेट, यहाँ से हल्दूपराव की सफारी होती है। ओ भाई स्टैग डियर दिख गया, चलते रहो धीरे धीरे, चलते रहो, रुको मत, भाग गया। वाइट डॉट शीतल, कितना सुंदर था। तो भाई ये रोड देखो कितनी प्यारी है, देख रहा है मुझे नहीं दिख रहा, बोरा सामने हिरन बोरा काय अंकल है बोरा, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ले ले मेरे मोबाइल में देख लो बोरा, दिख गया दिख गया भाई, इन सबको हिरन दिख गया। अब चिल्लाना मत, कैसा लग रहा है हिरन देख के? पता नहीं कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है सबको, एक जान में तो दिख ही गया। हां ओए अब चिल्लाना मत, ये रहा देखो भाई एलिफेंट डंग, देखो देखो ताजा है भाई, ताजा है ताजा है, हाथी का गोबर ताजा है बिल्कुल, हाथी का गोबर बिल्कुल ताजा था, और ये हंस रहे हैं मेरे बोलने पे कि ताजा हाथी का गोबर है, हंस क्यों रहे हो भाई, ताजा गोबर हो ना किस्मत वालों को दिखता है, यानी कि हाथी आसपास ही रहते हैं, यहाँ भी आसपास होते हैं हाथी, यानी कि आज का है या कल का है, यानी कि हाथी आसपास है, आजकल आए हुए हैं इधर हाथी, वरना मिलता नहीं है ताजा गोबर इधर पे, हाथी ने तोड़ी हुई है, और ये वाला थोड़ा रोक के एकदम आराम से चलना, और भाई हाथी मिल सकते हैं, एक मिनट भाई ये देखो फ्रेश है, वो फ्रेश है, तो हाथी मिल जाए ना भाई, असल में मजा तो आज नाइट सफारी में आने वाला है, सुपर हाथी आए हुए हैं इस तरफ, आई होप कि नाइट में एलिफेंट दिखे, टाइगर दिखे, लेपर्ड दिखे, जो भी दिखेगा मजा आने वाला है, जो भी दिखेगा उसका तो कमेंट मेरे पे करना। तू क्या कर रहा है कुछ? मैं व्लॉग, तुझे व्लॉग बनाना है बाद में, जब रिजोर्ट पे पहुंचेंगे तब बनाना। वो एलिफेंट ने क्या तोड़े हुए हैं सब, ये देखो, चलो आगे, ये देखो ये सब एलिफेंट ने तोड़े हुए हैं, ये और आगे भी एलिफेंट डंग पड़ा है बिल्कुल ताजा, ये सब ताजा ही है, ये देखो टॉयलेट भी करा हुआ है, ये देखो एलिफेंट डंग, ये देखो आराम से देखो, ये एरिया मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास है भाई, जो रुकेगा ना मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस उसके मजा आने वाले हैं, पर ये नाइट ड्राइव नहीं करने देते मुंडिया पानी वाले, एलिफेंट आस पास ही आए हुए हैं इसके, हमें दिख नहीं रहे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दिख भी सकते हैं। भाई वाइल्ड बोर, वो पूरी फैमिली है भाई, ये रहा भाग गए भाई, भाग गए भाई ये जंगल देखो ना कितना पीसफुल है, ओ भाई चिड़ियाएं नदी के ऊपर उड़ रही हैं, वाह भाई वाह, भाई ये ग्राउंड देखो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे यहाँ कैंपिंग करने का मन करता है लेकिन कर नहीं सकते। तो भाई मैं मच्छर आ गया। ये देखो मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की टीम दिख रही है ग्रीन ऊपर, और ये रिवर यहाँ से टर्न कर रही है ऐसे, हाँ ले लो भाई, मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस चल रहे हैं। हमने सोचा जब इधर से जा ही रहे हैं तो मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दिखा देते हैं बच्चों को, इतना मत डरो आ जाओ, भाई इनके कार ने पहली बार ऑफ रोडिंग की है, और यहाँ पे एलिफेंट मुंडिया पानी में अभी आए हुए हैं, भाई मुंडिया पानी पहुंच गए हैं, और देखो ये भाई से मिलो, ये यहाँ पे जो ये बता रहे थे कि कॉलिंग हो रही है सामने सांभर की, और लंगूर भी बोल रहे हैं टाइगर की संभावना है सामने, आपको कब दिखा था, कितने दिन पहले की बात है वो? मुझे तो दिखा था इधर नजदीक में
25 जनवरी को पच्चीस जनवरी को भाई मतलब दिन में ही 11 बजे टाइगर ऐसे ऊपर गया है। यहाँ टाइगर तो काफी हैं, बस वो है कि घना जंगल है, देख नहीं पाते। लेपर्ड की आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, वो रात में जो लेपर्ड दिखाता, देवेंद्र जी के पास रुकते हैं ना आजकल हम। अच्छा, वो आपने बना रखी है? हाँ, मैंने बना रखी है वहाँ की वीडियो। हाँ हाँ, झाड़ी में जा रहा था बिल्कुल रात को, बिल्कुल सामने इतनी देर तक पहले इधर उधर। वो हमारे लिए लड़कों ने भेजी थी ना। अच्छा अच्छा, उसमें मतलब वो नहीं कर रखा था। अच्छा अच्छा, किसने बनाई है? अच्छा अच्छा, ऐसी भेजी थी की ये। आप अभी मेरे ख्याल से मोरगट्टी वगैरह गट्टी गया था जो बिष्ट जी है ना रेंजर, तो जानकार थे, तो उन्होंने कहा आप अंदर से निकल जाओ। हाँ, वो मोटे से हैं, तो उन्होंने बोला आप निकल जाओ। तो फिर ना हम मोरगट्टी रुका, मैंने यूट्यूब पे दिखाया। जब मोरगट्टी यूट्यूब पे पहली बार आया उसके बाद से बुक, क्योंकि मोरगट्टी एक और भी है, विवेक अवस्थी जी। हाँ, विवेक अवस्थी जी, वो तो दोस्त ही अपने, वो बाद में आए, वो अब गए थे। हाँ, अभी आए रथवाडा में जाओगे? हाँ, रथवाडा उसके पास है शिवाली मशरूम। अरे वाह, ये कौन सी मशरूम है? ये फंगाई मशरूम है। और इसको ना ऑस्टर्स मशरूम भी बोलते हैं। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं? वैसे तो ये तो अभी तैयार नहीं है वैसे पूरी तरह। नहीं, ये तैयार हो गए, सूख गई। हाँ, इसको वेट करके ना पानी में भिगो। भाभी जी को काफी नॉलेज है भाई इसकी मशरूम के बारे में। याद है तुम्हें, वो बड़ी बड़ी हो जाती है पानी में डाल के काफी। तो अच्छा, ये लोकल गांव की, यहाँ की जंगल की मशरूम उनके पास मिलती है ना? और पता है कई लोग इसको ना तो अपने उसमें उगाता है ना इसको। हाँ, पर ये जंगल में भी होती है। अच्छा, और पता है लोग तो स्पेशली इसको उगाते हैं क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल होती है ये। अच्छा, बड़े बड़े जो फाइव स्टार रेस्टोरेंट होते हैं। पता है इसमें सब, हम इसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं, पर ये भी नेचुरल है, ये जंगल की है ना। यार जैसे एक जंगली मशरूम होता है ना। हाँ, वो वाला जैसे वैसे वाला, तो उसके इतने लंबे लंबे निकलते हैं। मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ का जो रजिस्टर है ना सबसे पुराना है, अंग्रेजों के समय से ही बने हुए है ना, 1800 कुछ के बने हुए हैं ये। 1928 से देखो, ये हैं जो मेन चीज इनकी देखने वाली है, 1920। देखो, अंग्रेज जब अंग्रेजों का राज था उन्होंने, हाँ, और अंग्रेजों का राज था, वो इंक पेन से किस तरह से अंग्रेजों ने एंट्री की हुई है, कैसी हैंड राइटिंग थी उनकी, ये सारा ये देखो, ओरिजिनल उस टाइम से ये है। ये देखो, ये कर्नल कोई, ये ऐसे हैं, ये शूटिंग विद वेरी मैनी हैंड्स, शूटिंग करते थे पहले ना, और पेड करते थे, पेड रुपीज 13 रुपये कुछ पेड करे थे। पहले शिकार खेलना अलाउ था ना, टाइगर मारना, तो 78 के बाद हुआ है, जैसे आजाद हो गया था ना, 78 के बाद टाइगर मारना तो पहले बंद हो गया। हाँ, पहले बंद हो गया था 78 में जो बंद हुआ। हाँ, और चीजें जैसे ये रेड जंगल फॉल है। अच्छा, कली स्विचेंट है। अच्छा, ये बार्किंग डियर है, फिर ये बंद हो गए थे। डियर है, ये बंद हो गया, टाइगर तो पहले हो गया था। टाइगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो 50 के बाद बंद हो गया। अच्छा अच्छा भाई, ये अच्छा, ये रजिस्टर मैं इतने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में घुमाऊँ कहीं नहीं मिला, पता है, मतलब इतना पुराना, सब पे नए नए हैं, पाखरों में भी नया है, हर जगह नए हैं। 1936 की एंट्री है। अब इन्होंने क्या लिखा है, थैंक्स वेरी मच फॉर ए काइंड परमिशन सोट काकड़ एंड फीजेंट, काकड़ और फीजेंट मारा था इन अंग्रेज ने। ये तो खैर इंडियन ही है, कुंवर जगजीत सिंह, तजपुर एस्टेट से आए थे, बिजनौर यूपी से। हाँ, कोई रजवाड़े वाले होंगे, ठाकुर लाल बहादुर सिंह, तो उस टाइम इंडियन भी शूटिंग करते थे अंग्रेजों के साथ साथ। ये चीजें देखने वाली हैं। थैंक्स बोला है, देखो, द टाइगर मेजर्ड 9 फुट 5 इंच, 9 फुट का टाइगर इन्होंने मेजर किया था काकड़, और ये सरदार हुसैन साबरात एस्टेट, पता नहीं कहाँ से, पहले तो एस्टेट हुआ करती थी ना, जो है ये जो टाइगर की नपत होती है ना। हाँ, तो उसकी पूंछ से लेके, हाँ, नाक तक होती है। हाँ, तब होता है इतना लंबा टाइगर। हाँ, अभी मैं आऊंगा, दोबारा से रुकेंगे। अच्छा, यहाँ पे रुकने में बहुत मजा आता है, यहाँ पे अपना दाल पानी लाओ जो भी लाना है। अच्छा लग रहा है, और इतना ये बंद कर देते हैं, देख ले जा, देख लो जा, 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 जा। इनकी दीवारें महसूस करना कितनी मोटी है, ये देखो, देख लो। हाँ, तो भैया बता रहे हैं, जो रात गेस्ट रुके हुए हैं ना, तो ये ना इनको तो पता भी नहीं था हाथी आ गए, भैया ने बताया कि हाथी आए हुए हैं, तो ये सर पूरा ग्रुप था। अभी ये हमें मिल सकता, आगे आजकल आए होंगे रोड पे मिल सकते हैं? उनके साथ बहुत छोटा बच्चा है, वो नजदीकी होंगे इधर ही कहीं है ना। मैंने कहा था हम उठा लेंगे इसको। किसको? बच्चे को, क्योंकि हमें एलिफेंट डंग दिखाई दे रहा है, काफी फ्रेश है वो, ज्यादा पुराना नहीं है, आजकल का ही है, हमें लग रहा था ये रोड चल के आए हैं। पिछली बार सीबेट कैट दिखाई दी थी वो बिल्ली, वो लेपर्ड कैट, बढ़िया है बढ़िया है। नहीं, इस बार बुकिंग कराएंगे, आएंगे। अच्छा, ये बंगला ना ऐसा है, बाकी बंगलों में कार अलाउ नहीं है, जीप करनी पड़ती है अलग से, फिर 10-12 हज़ार का खर्चा, तो क्योंकि जो गेट दिखाया था ना उसके अंदर बंगले हैं। ये बंगला अब जीप कंपलसरी हो गई यहाँ पर भी। हाँ,
मान लो अगर आपका स्टे है तो आपको सफारी करनी पड़ेगी। सफारी करनी पड़ेगी, वैसा हो रहा था ना, जीप वालों का धंधा चौपट हो रहा था। हाँ, लोग आते थे, रुकते थे, चले जाते थे। लेकिन पता है, लेकिन हमारा पाखरो में पता है क्या हुआ, हमने पाखरो बुक किया वहाँ पे सफारी। हाँ। तो सफारी वालों का भैया सफारी सफारी, मैंने कहा भैया हमें सफारी नहीं करनी है, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक कराया था। अभी हुआ नहीं, एक महीने पहले से। हाँ, अभी हो गया होगा, एक महीने पहले लेटर निकला। हाँ, पानी ले लो। ठीक है दोस्तों, काफ़ी देर यहाँ पे बैठे, भैया ने चाय भी पिला दी थी, ग्रीन टी, और बस अब जा रहे हैं वनवासा की ओर। यहाँ पर ये सर भी मिल गए थे, वे ताड़िया विलेज के हैं, तो वो सर मिले हैं, वो ताड़िया विलेज के, वो काफ़ी अच्छा लगा उन्होंने भी। मैंने उनको बताया कि मैं ताड़िया विलेज में गया था, जिन जिन लोगों से मिला, तो अच्छा अगली बार जब ताड़िया जाऊँगा तो आपसे मिलूंगा। देखो भाई कितना प्यारा रास्ता है मुंडिया पानी के पास, यहाँ ना बहुत आराम से देख देख के भी चलना, कहीं वो ढूंढ ना आसपास ही है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है उनके साथ, इसके जितना गुच्चू जितना। भाई मजा आ गया, इस जंगल में तो मजा ही आ जाता है भाई, तो बना ही रहा हूँ। अब आ गया मेन रोड पे, मजा आ गया इस स्टॉप में, ऐसे ही घूमना चाहिए। भाई ये देखो कितने प्यारे सिंदूर का पेड़ लग रहा है मेरे को तो ये, और ये देखो बर्ड भी काफी है यहाँ पे। अंकल नहीं भैया, हाँ वो हिरन होगा भाई, लंगूर भाग रहे हैं, ये बैठे देखो आराम से, बाय लंगूर, वो बैठा बैठा ऊपर, ये बैठा, इनका नाम हम रख सकते हैं। भाई रथवा ढाब रुके थे थोड़ी देर के लिए, और सुरेंद्र भाई मिले हैं यहाँ पे, थोड़ी देर स्टॉप लिया था और अच्छा लगा इनसे मिलके। और भाई ये देखो इतना प्यार करते हैं, डॉग को सारे बिस्कुट दे दिए इन्होंने, भाई इसके अंदर थे बस का वेट कर रहे थे, सारे भाग गए। ये देखो माई गॉड, ये बंद करो, ये बंद करो, नहीं ये आ जाएगा, ये आ जाएगा फंस, चलो। तो भाई हम मैदावन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और यहीं हमारा रिजोर्ट है मुझे लग रहा है, वो ऊपर की तरफ वहाँ सामने एक दो रूम भी दिख रहे हैं, वैसे तो वहीं जाके एक्चुअली पता चलेगा कि है कहाँ पे, मुझे तो वही लग रहा है पूरा रिजोर्ट हिल टॉप पे। और ये देखो गांव के कुछ घर हैं, ये सबसे बेस्ट लोकेशन है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ पे। पीछे जंगल है और जंगल के किनारे घर, आगे नदी है और सामने भी जंगल है। ये बिल्कुल डीप फॉरेस्ट में आ चुके हैं हम, इनकी लाइफ सोचो कैसी है ना, कोई मतलब नहीं किसी से, बिल्कुल कोने में पड़े हैं यहाँ। कोरोना कह रहे, कोरोना में भी हमें पता नहीं चला कोरोना चल रहा है, ना पुलिस आती है ना कुछ है, मतलब मस्त रह रहे हैं। इस पूरी वैली में इतनी सारी बर्ड्स हैं भाई, क्योंकि अप्रैल आने वाला है तो धीरे धीरे साल का जंगल पीला हो जाएगा और पतझड़ चालू हो जाएगी बहुत तेज़ी से, मतलब आप जंगल में देखेंगे ना जमीन ही नहीं दिखेगी, सारे पीले पीले पत्ते ही दिखेंगे। ये देखो भेड़, ये थोड़ा धान के खेत हैं, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना टॉप, ये रही भेड़, देखिए ये छोटी सी, इससे मिल ले गुच्छू से, मिल ले गुच्छू से, मिल ले, नहीं मारते छोड़ो, कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है। देखो इनको खाने आते हैं हाथी, केले को एकदम से खा जाते हैं ये, और पता है इसके इसका भी खाते हैं, और नीचे जो तना होता है ना उसको भी खाते हैं हाथी, केले को खाते हैं बहुत, है ना। ये देखो
भाई पोर निकल रही है इसकी आम के पेड़ की, कितनी ज्यादा बढ़िया आम की फसल वो आने वाली है। ये देखो कितने प्यारे घर हैं, कितनी अच्छी लोकेशन। इतनी पतझड़ हो रही है, सड़क पे इतने पत्ते पड़े हैं, कार की आवाज जैसे आ रही है ना टायर से मूव कर रही है। भाई जंगल में बिल्कुल व्हाइट कलर का पेड़ है, कितना प्यारा लग रहा है वो देखो। ये देखो ऐसा लग रहा है नकली प्लास्टिक से का, पर कितना सुंदर है भाई ये जंगल है एक डिफरेंट। और ये चिड़ियाओं ने पैदा करा होगा, पीठ से कहीं से आई होंगी। सो दोस्तों वनवासा रिजोर्ट के लिए हम लेफ्ट टर्न ले लिया है, लेफ्ट टर्न लेते ये ब्रिज आ गया और ये रिवर। इस मेन रोड से जैसे हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो 12 किलोमीटर है यहाँ से। अभी मैं देवेंद्र जी के यहाँ भी जा रहा था मैदावन कॉर्बेट में, लेकिन वो है नहीं वहाँ पे, नहीं तो हम सोच रहे थे यहीं पर लंच करके निकलते हैं ऊपर। भूल जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। टाइगर नहीं मिलता तुम्हें? टाइगर देखा है? मिलता है भाई, मिलता है। देखो वनवासा रिजोर्ट में संतरे वाली टॉफी खा लो, तीन है ये, एक आपकी, एक मेरी चॉकलेट है, मैं लो चॉकलेट भी ले लो भाई, बच्चे मिले हैं यहाँ पे। हाथी भी होते हैं ना, हाथी भी तुमने तो देखे होंगे। तो जैसे तुम अकेले जा रहे हो तीनों, कोई दिक्कत नहीं है? बच के चलते हो, दूर हो जाते हो तुम, है ना? वनवासा रिजोर्ट यही है ना, इधर वनवासा रिजोर्ट जा रहा है ना। तो लक्ष्मी ने भाई टॉफी दी है, वो चॉकलेट दी है, चलो बढ़िया है। कितनी दूर है गांव यहाँ से? सामने ही है, चलो बढ़िया है। नाम क्या आपका? मेरा नाम कनिका। मेरा नाम अमित। अमित कनिका और पूर्वी, चलो बढ़िया भाई, अच्छा लगा मिलके। चलो बाय बाय। और भाई देखो कितना घना जंगल है, तो भाई देख रहे हो गांव के बच्चे। मैं पूछ रहा हूँ टाइगर से डर नहीं लगता? कह रहे डर नहीं लगता क्योंकि ये देख के चलते हैं, ये डिस्टेंस बना लेते हैं, मान लो दिख गया ना तो बस पीछे हट जाएंगे और वो अपने रास्ते निकल जाएगा। सब देखे इन्होंने, हाथी टाइगर सब। भाई यहाँ वनवासा जाने से पहले एक वाटरफॉल आया बहुत प्यारा, ये देखो कितना छोड़ा है। और वनवासा यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है, तो चलो कहीं नहीं। तो देखो सामने भाई कितना प्यारा घर गांव का पीछे धूल उड़ रही है। तो दोस्तों 2:15 बजे पहुंच चुके हैं वनवासा रिजोर्ट, वो देखो सामने दिख रहा है। तो फाइनली भाई चलो, कहाँ पर? कहाँ पर? अच्छा ये डव बैठी है। वेलकम टू वनवासा रिजोर्ट, और डव ने हमारा स्वागत किया है, गेट पे बैठी थी है ना। इसको देखो भाई, पूरा कॉर्बेट दिख रहा है वहां से आए हम, नदी दिख रही है। भाई पहुंच चुके हैं वनवासा।